मैडम ने दिया मेरे को दान, तो मैंने उनको बोला मैं दान। नमस्ते सभी को, आज हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैं दान के बारे में, जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है और वो एक साल डिले हो चुकी है थैंक्स टू उसके बजट वाला इशू। असल में एक आवाज सही है, जो बिकता है वही हम लोग को मार्केट में दिखता है, क्योंकि मूवी का इसका बजट मात्र 60 करोड़ था, पर 60 करोड़ के चक्कर में ना इसको इतना एक साल डिले कर दिया गया, ऐसा सूत्रों ने बोला है बिना नशे किए हुए। तो उनके बिना नशे किए हम लोग बात पर विश्वास नहीं करते। तो आज हम लोग बात करने वाले इसके ट्रेलर के बारे में, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, मेरे को एकदम मस्त चूस कर दिए तुम लोगों ने, क्योंकि इसको देख के जो मज़ा आता है मेरे को, वो मज़ा मैं आपको पहुँचाना चाहूँगा बिना तेल लगाए। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हम लोग को एक साल बाद देखने मिलने वाली है 23 में आने वाली थी, पर 2024 में आएगी। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को इससे उम्मीद रखनी चाहिए, इसकी स्टोरी एक रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, जो कि 92 से लेकर 96 की स्टोरी दिखाएगी सैयद अब्दुल के बारे में, जो कि काफ़ी बड़े लेजेंड है अगर आपको फुटबॉल से रिलेटेड जानते होंगे, इसलिए ना ये इसके बारे में वो किस तरह से उनके क्या स्ट्रगल रहे उनके, और किस तरह इन्हें फुटबॉल करने आगे ले गए, और किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी के 10 साल फुटबॉल को दिए, या फिर 10 साल से काफ़ी ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी दी, उसके बारे में बताइए हम लोग को। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट, जो कि इसका थ्रिलर एक्शन काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। नेक्स्ट लेवल मतलब है ना, आपने कोई मूवी देखी होंगी जैसे कि गोल्ड हो गई या फिर 1983 हो गई, उस टाइप का इसमें एक्शन होने वाला है, पर उन दोनों से ये अलग इस बारे में कि ना कि क्रिकेट के बारे में, ना हॉकी के बारे में, फुटबॉल के बारे में। तो हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग को नहीं सीखने मिल देंगी। अगर आप है ना फुटबॉल के एंटीयर हैं, तो आपको सोच किस बारे में रहे, आप सोच जा सकते हैं कि उसका जो थ्रिलर जो एक्शन है वो हमने को थ्रिलर में देख के महसूस होता है। अब जब थिएटर में जाएंगे तो पक्का आग लगाएगी, मैं पानी डालूंगा और तुम मुझे मेरे ऊपर तेल लगा देना। ये तो टट्टी है। खैर, ऐसे ही शायरी के साथ हम लोग आप बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट, जो हम लोग को इससे हम लोग को पक्का एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब होने वाली है, जिसमें अजय देवगन है और बाकी काफ़ी अच्छे कास्ट वगैरह भी हैं। और मेरे को ये पता है कि अजय देवगन है काफ़ी, अगर रोल में घुस जाते हैं तो काफ़ी अच्छी रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी हमने रेड देखी है, वो इसमें रोल करते हैं बिल्कुल अपोजिट रोल होता है ऑफिसर का, और इस बार भी उनको ट्रेलर में देखने मिला है, वो ऐसा लग रहा है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। बिना सूट पहने उनने हम लोग को दिखा दिया कि कोई बंदा सूट पहन के भी है ना एकदम रोल को सूट कर सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि बिना शूट करे हुए हम लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैदान के बारे में, क्योंकि ये जब आएगी ना थिएटर में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, क्या ये हिट हो पाएगी, सुपर हिट होगी या मास हिट होगी, या ऐसी एक नया इतिहास बनाएगी, ब्लॉकबस्टर होगी। आप बता देना कमेंट सेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्योंकि मेरे तो मज़ा आएगा, मैं तो जा रहा हूँ मैदान में फुटबॉल खेलने। आप बताओ क्या करूँगी आप, जब तक के लिए शूट नेक्स्ट।